हेलो ब्रिलियंस, अभी हम कर रहे हैं सेवन्थ क्लास के लिए चैप्टर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6। दो पार्ट है इसके, अच्छे से ध्यान से समझ के कीजिएगा। क्वेश्चन में देखिए क्या है, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस। तो हमें पहले इन दोनों को एडिशन करना है, फिर जो आए उसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाला क्वेश्चन है, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो हमें इन दोनों का सम निकालना है, हमें इन दोनों का सम निकालना है, और फिर ये वाला सम ऊपर आएगा क्योंकि इसमें से माइनस करना है ना, और ये वाला जो सम आएगा वो नीचे आएगा, और हमें निशान बदलने हैं फिर उसके, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। तो चलिए करते हैं। सिक्स्थ का ए पार्ट, पहले हमें इन दोनों को प्लस करना है, इसको और इसको। 3x माइनस वाई प्लस 11 माइनस वाई यहाँ पर माइनस 11 यहाँ पर। तो दोनों एक्सप्रेशन मैंने कर दिए, इन दोनों का सम करेंगे हमें मिलेगा 3x, सेम साइन एडिशन, निशान माइनस का, और ये दोनों कट गए, दोनों 11 है लेकिन साइन डिफरेंट है तो कट गए, ठीक है। अब हमें करना क्या था, हमें करना था इनके सम में से, यानी कि ये ऊपर आएगा 3x माइनस 2y, हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला, हमें ये वाली वैल्यूज सब्ट्रैक्ट करनी है। तो 3x इसके नीचे लिखेंगे, माइनस वाई माइनस 11, ठीक है। अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन करनी है तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, इन सब के निशान बदलेंगे, प्लस में ऐसा नहीं होता, जैसे इसमें नहीं किया हमने, निशान नहीं बदले, लेकिन यहाँ सबके निशान बदलेंगे। तब याद रखिएगा, अब ये निशान कोई वैल्यू नहीं रखते, ये निशान बदले जा चुके हैं, बदले जाने पर जो निशान आए हैं वही हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये 3 प्लस का, ये माइनस का, तो ये कट गया, माइनस 2 प्लस 1 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, निशान बड़ी वैल्यू का माइनस का, माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1, 1 वाई यानी कि वाई, माइनस का वाई आ गया, और 11 प्लस का, माइनस का नहीं प्लस का, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ये हमारा आंसर हो गया। याद रहे, जब एडिशन करते हैं तो निशान नहीं बदलते, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो निशान कॉलम मेथड में बदल जाते हैं, फिर पहले वाले निशानों की कोई मतलब नहीं रहता, बदले हुए निशानों के हिसाब से हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब इसका बी पार्ट, हमें पहले क्या करना होगा, इन दो का सम निकालना है और फिर इन दो का सम निकालना है। पहले सम निकाल लेते हैं, 4 प्लस 3x, 5 माइनस 4x, 5 इसके नीचे, माइनस 4x यहाँ पर, प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। 4 प्लस 3x, 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, इसको हम सोल्व करते हैं पहले, क्योंकि एडिशन कर रहे हैं तो निशान नहीं बदलेंगे। 4 5 बना 9, 3 माइनस 4 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, निशान बड़ी वैल्यू का 4 का, माइनस और x, 4 माइनस 3 1, प्लस 2x स्क्वायर। नेक्स्ट है 3x स्क्वायर माइनस 5x, और ये माइनस x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 5। याद रहे लाइट टर्म एक ही कॉलम में आएगी, इसमें भी निशान नहीं बदलेगा क्योंकि ये भी सम है यानी एडिशन है। 3 माइनस 1 कोई निशान नहीं है तो 1, कोई भी नंबर नहीं है तो 2x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2। बताइए डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन? डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी, निशान बड़ी वैल्यू का माइनस का प्लस 5। ये आ गया पहले वाले दो का जो सम है वो ये है, बाद वाले जो दो है उनका सम ये है। अब किस में से माइनस करना है, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस ना, तो ये ऊपर आएगी इसका सम, और इसका और इसका सम का जो सम है वो नीचे आएगा। इसका मतलब ये ऊपर और ये नीचे। 9 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर इसके नीचे लिखेंगे, माइनस 3x लाइक टर्म एक ही कॉलम में, प्लस 5 इसके नीचे। अब क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करनी है तो फिर निशान बदलेंगे, ठीक है। क्या करनी है हमें, सब्ट्रैक्शन करने की वजह से हमें निशान बदलने पड़ेंगे, इनके निशान नीचे वाले के, ऊपर वाले के नहीं, नीचे वाले के। ये प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब इनका कोई मतलब नहीं है ऊपर वाले निशानों का, जैसे हमने ऊपर किया था ये वाला केस, वही केस इसमें करेंगे। 9 में से 5, 9 माइनस 5 4, माइनस 1 प्लस 3, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी। 3 माइनस 1 2, कोई भी निशान नहीं है तो 1, और निशान बड़ी वैल्यू का यानी प्लस का, x की जगह x आ गया, x नहीं भूलना, ठीक है। और ये दोनों तो कट ही गए, ये भी 2x स्क्वायर है और ये भी 2x स्क्वायर है, तो ये दोनों कट गए, हमें मिला 2x प्लस 4। इसको आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे ऐसे, पहले ये पावर 1 वाला फिर 0 पावर वाला, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। तो फिर आपको करना क्या है, बाय। इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के साथ। बाय।